हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती टेस्ट जोन। आज हम बात करेंगे द सिसिलियन डिफेंस क्लोज सिसिलियन वेरिएशन। वाइट की ओर से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है क्लोज सिसिलियन, लेकिन उसके सामने आपको ब्लैक से सिसिलियन डिफेंस खेलने के लिए कौन से मूव्स यूज करने हैं, ये खास मैं आज आपको बताऊंगा। सिसिलियन डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है ब्लैक की ओर से, लेकिन आपको अगेंस्ट सिसिलियंस वाले सारे वेरिएशन रेडी करने चाहिए। तो आज सभी का स्वागत है पार्ट फोर सिसिलियन डिफेंस। दोस्तों चौथा भाग है ये, इससे पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड कर लिए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे फिर से देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं e4 c5 से। ये है सिसिलियन की फर्स्ट मूव और क्लोज सिसिलियन नाइट c3। दोस्तों क्लोज सिसिलियन में एक ग्रैंड प्रिक्स अटैक नाम का ओपनिंग है, तो ग्रैंड पिक्स अटैक के सामने कैसे खेलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाइट c3 के सामने बेस्ट चॉइस नाइट c6 मैं आपको बताना चाहूंगा। नाइट c6 सबसे बेस्ट चॉइस है ब्लैक की ओर से, जिसमें ब्लैक का विनिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। नाइट c6 के बाद वाइट यहाँ पे f4 करता है सेंटर कंट्रोल करने के लिए। f4 के सामने आपको यहाँ खेलना है g6। g6 के बाद वाइट खेलेगा नाइट f3। यहाँ आपको खेलना है बिशप g7। आपको दोस्तों फियान चट्टो बिशप यहाँ पे निकालना है क्लोज सिसिलियन के सामने। ये बहुत ही अग्रेसिव लाइन है ब्लैक की ओर से। बिशप c4, वाइट प्रिपेयरिंग फॉर कैसल। यहाँ आपको e6 करना है, f7 को टारगेट नहीं होने देना है। e6 के बाद वाइट खेलेगा f5 और यहाँ NGE7। F5 के बदले वाइट और क्या कर सकता है यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा। F5 के बदले वाइट E5 भी कर सकता है दोस्तों। E5 इसमें आपको देख D6 करना है और ये जो सेंटर है उसे ब्रेक करना है। तो हम ज़्यादातर F5 लोग खेलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। NGE7 F5 के बाद NGE7 F×E6 और यहाँ आपको F×E6 करना है। F×E6 इसलिए कि कैसलिंग के बाद आपका रुक जो है डायरेक्टली अटैक में आएगा। वाइट खेलेगा D3 और यहाँ सिंपल D5, बिशप B3 और यहाँ एक सरप्राइज मूव है B5। ये पोजीशन में B5 नाइट सेक्रीफाइस इनटू D5 एक पॉसिबल मूव है, लेकिन अगर वो नाइट टेक्स पॉन करता है तो यहाँ आपको क्या रिप्लाई देना है। हालांकि नाइट टेक्स पॉन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, अगर नाइट टेक्स पॉन करता है तो सिंपल क्वीन e4 चेक आफ्टर नाइट c3 देन d4 और विनिंग अ पीस। तो सिंपल आपको पीस मिल रहा है ये पोजीशन में। तो दोस्तों ये काफ़ी बेटर पोजीशन है ब्लैक की ओर से ग्रैंड पिक्स अटैक। देखते क्या है, e4 c5 नाइट c3 क्लोज सिसिलियन नाइट c6 और यहाँ वाइट खेलेगा g3। g3 के सामने बेस्ट चॉइस मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक को इक्वालिटी करते हैं। यहाँ आपको खेलना है g6, बिशप g2, बिशप g7, दोनों ओर से फियान चट्टो बिशप करके खेलना है। bg7 के बाद वाइट रिप्लाई देगा d3, यहाँ आपको e6, बिशप e3, नाइट d4, सेंटर में नाइट d4 बिठाना बहुत ही बेस्ट मूव होती है आफ्टर नाइट c e2, नाइट e7, c3, नाइट टेक्स e2 एंड d6। एक ये स्ट्रक्चर है ग्रैंड पिक्स अटैक में आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। तो दोस्तों ये थी सिसिलियन डिफेंस में क्लोज सिसिलियन की वेरिएशंस। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है सिसिलियन, जिसका मेन वेरिएशन मेन पार्ट e4 c5
नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स एंड देन डी फोर। ये बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों सिसिलियन में। वाइट यहाँ पे ब्लैक को पॉन टेक्स पॉन करना है, सी इंटू डी फोर, नाइट इंटू डी फोर और इसके बाद ई फाइव, इसे कहते हैं पैलेकिन अटैक भी कह सकते हैं। नाइट बी फाइव, नाइट बी फाइव के सामने ए सिक्स, नाइट डी सिक्स चेक, बिशप टेक्स डी सिक्स, आफ्टर क्वीन टेक्स डी सिक्स, क्वीन एफ सिक्स, ब्लैक खेलेगा क्वीन सी सेवन, एन जी ई सेवन, नाइट सी थ्री, नाइट बी फोर, नाइट सी टू की थ्रेट आप दे सकते हो यहाँ पे, बिशप डी थ्री रिप्लाई में वाइट को देना है और यहाँ डी फाइव आफ्टर कैसलिंग देन यू कैन प्ले डी फोर। नाइट ए फोर और नाइट बी सिक्स का आइडिया है, जहाँ पे सिंपल क्वीन सी सिक्स बेटर चॉइस है ब्लैक की ओर से। तो दोस्तों टोटल 12 मूव हो गए ब्लैक की ओर से और ये काफ़ी अच्छी लाइन है ब्लैक की ओर से। तो सिसिलियन डिफेंस का जो मेन वेरिएशन है नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, ऐसे भी आप खेल सकते हो, सिंपल लाइन है। ज़्यादातर लोग नाइट एफ थ्री वाइट से ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरी लाइन देखते हैं पेलिकन वेरिएशन, जो बहुत सालों पहले खेला गया था, अर्ली डेविएशन में कहा जाता है। पेलिकन ई फोर, सी फाइव, नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, डी फोर, सी डी फोर, नाइट डी फोर देन ई फाइव। ई फाइव से पहले एक और भी मूव है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नाइट एफ सिक्स, जो पेलिकन में मेन मूव है नाइट एफ सिक्स। वाइट रिप्लाई देगा नाइट सी थ्री, उसके बाद क्यू बी सिक्स, यहाँ पे आपको थ्रेट देनी है, नाइट बी थ्री देन ई सिक्स, बिशप ई थ्री, क्वीन सी सेवन, बिशप डी थ्री, बी ई सेवन, एफ फोर, एक बहुत फेमस लाइन है एफ फोर, डी सिक्स जिसके रिप्लाई में वाइट कैसल और यहाँ आपको खेलना है ए सिक्स। 10 मूव होने के बाद आप काफ़ी अच्छी तरह से खेल सकते हो और मेन पेलिकन में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। मेन के पेलिकन अटैक में ई फोर, सी फाइव, नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, डी फोर, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स डी फोर, नाइट एफ सिक्स देन नाइट सी थ्री और इसके बाद मेन पेलिकन में ई फाइव, ई फाइव के बाद एन बी एन डी बी फाइव, एन डी बी फाइव में डी सिक्स खेलना है आपको, नाइट डी सिक्स अलाउ नहीं करना है। तो डी सिक्स के बाद वाइट खेलेगा ए फोर, यहाँ आपको रिप्लाई देना है ए सिक्स, आफ्टर नाइट ए थ्री, बिशप ई सिक्स, बिशप जी फाइव, क्यू बी सिक्स, बी टू को टारगेट बनाना है सिंपल, नाइट सी फोर, क्वीन बी फोर, बिशप टेक्स एफ सिक्स, जी टेक्स एफ सिक्स देन क्वीन डी थ्री, नाइट डी फोर, आफ्टर नाइट ई थ्री, रुक सी एट। ये अनक्लियर पोजीशन है ब्लैक की ओर से और व्हाइट की ओर से, दोनों तरफ से काफी अच्छी टैक्टिकल पोजीशन है। इस पोजीशन के बाद कौन विनर होगा वो ज़्यादा डिपेंड्स है कि कौन ही जल्दी अटैक करता है और कौन ज़्यादातर टैक्टिकल यूज करता है। तो दोस्तों ये थी आज की सिसिलियन डिफेंस की पेलिकन ओपनिंग और क्लोज वेरिएशन।
नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे सीसीएलएन के और भी मेन लाइन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।